इस संख्या का स्क्वायर रूट भाग विधि से कैसे निकालें, यानी बाय यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड। बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझिए, देखिए आपका फोर डिजिट नंबर है, टू डिजिट को लिए अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े टू डिजिट को लिए अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया अंदर में, देखिए आपका 16 आ गया। इस 16 के लिए हमने अपना किसको लिया, 4 × 4 को, जो संख्या आ रहा है गुणा करने पर। यह संख्या ध्यान से समझना दोस्तों, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी करना क्या है, संख्या लेना उसी का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आ रहा है, गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है, इससे कम हो सकता है। किसको, 4 को लिया, ओके। उसके बाद क्या करना होता है, इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है, 16 − 16 0 आ गया। अगली दो अंकों की संख्या को यहाँ ले आते हैं, अब यहाँ कितना बन गया, 8। 8 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी का गुणा करें कि आपका 81 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो देखिए मुझे दिख रहा है, 1 लिया, 1 का गुणा किया, कितना आ गया, 81, जो इससे बड़ा नहीं है, किसको, 1 को लिया, फिर माइनस किया, 0 आ गया। आगे आपके पास यहाँ कोई भी संख्या नहीं बची हुई, प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यह जो आपका वैल्यू निकला कितना, 41, यह इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है।